हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। यहाँ पर पबजी टेस्ट हम करेंगे, बैटरी ट्रेन टेस्ट करेंगे रियलमी C17 का। परफॉर्मेंस का भी पता लग जाएगा एंड बैटरी कितनी ड्रेन करता है ये भी पता लग जाएगा। रियलमी C17 की प्राइस पाकिस्तान में 32,000 रुपीज है, डिस्काउंट करके और कम मिल जाएगा। यहाँ पर 6GB की रैम मिलती है, 128GB की स्टोरेज मिलती है। प्रोसेसर हमें स्नैपड्रैगन का 460 मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला, जो कि पहले भी हम काफ़ी पबजी टेस्ट कर चुके हैं इस प्रोसेसर के साथ। तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन IPS LCD मिलती है। तो देखते हैं कितना बैटरी को कंज्यूम करता है। यहाँ पर बैटरी जो रिमेनिंग है 28% रिमेनिंग है, तो बैटरी का खर्चा भी पता लग जाएगा। सेटिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पर स्मूथ क्वालिटी में हम हाई में प्ले कर सकते हैं एंड बैलेंस क्वालिटी में मीडियम में प्ले कर सकते हैं। हम हाई क्वालिटी में प्ले करेंगे। दोस्तों PUBG टेस्ट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पर हमने PUBG काफ़ी अच्छे से प्ले की दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैच हमने लगाए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी लेकिन दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा हीटअप का प्रॉब्लम हो गया है लेकिन फ़ोन में लैग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं मिला। आगे जाके शायद हो सकता है 30 डिग्री रूम का टेम्परेचर था, उस हिसाब से थोड़ा सा फ़ोन हीटअप हो चुका है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी की वजह से ज़्यादा नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस के मामले में ठीक ही रहा। तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा प्रोसेसर लगा देते और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती। बाकी लाइटनिंग के मामले में, डिस्प्ले के मामले में अच्छा रहा दोस्तों। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर 21% बैटरी रिमेनिंग है, 7% बैटरी का खर्चा हुआ है। तकरीबन 27.5 मिनट हमने प्ले किए पबजी, तो उस हिसाब से बैटरी का खर्चा मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि IPS LCD वाला डिस्प्ले तो बैटरी का खर्चा तो होने ही वाला था।
तो दोस्तों 6GB रैम थी इसलिए अच्छे से प्ले हो गया और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट रही, लेकिन ग्राफिक्स के मामले में थोड़ा कम ही रहा फ़ोन, क्योंकि प्रोसेसर इतना ज़्यादा हाई नहीं था। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा दोस्तों पबजी के मामले में, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।